मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं लेसन जनमत। आज हम एक निरीह पत्रकार की कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसा पत्रकार जो आपको दिखता तो है बहुत मजबूत व्यक्ति, जब वो कैमरे को फेस करता है, जब वो उसके हाथ में इस तरह का माइक होता है तो आप सोचते हैं कि बहुत मजबूत आदमी है, ये सत्ता को हिला सकता है, शासन को हिला सकता है। लेकिन वही मजबूत पत्रकार जिस संस्थान में कार्यरत होता है उस संस्थान के लिए बहुत छोटी सी चीज़ होता है। ये मैं इस तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ कि मैं खुद दिल्ली के बड़े बड़े जो न्यूज़ मीडिया के संस्थान हैं उनमें स्वयं काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से इनपुट और आउटपुट पर बैठे हुए लोग अपने छोटी छोटी चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए उसे पत्रकार को, जो जिले का पत्रकार होता है उसको स्ट्रिंगर भी कहते हैं, कहीं कहीं रिटेनर भी होते हैं, उनको सैलरी दी जाती है या फिर उनको इस तौर पर रखा जाता है कि वो पर खबर के हिसाब से उनको कितना पैसा दिया जाएगा। यही वो पत्रकार होते हैं जो चैनल की आँख कान नाक सब कुछ होते हैं, लेकिन जब चैनल के अपने हित टकराने लगते हैं, सत्ता में जरा भी व्यवधान उत्पन्न होता है, उनकी ताकत में जरा भी कमी आती है तो वो तुरंत समझौता कर लेते हैं और बलि चढ़ा देते हैं सबसे पहले उस पत्रकार की जो खबरें खोज कर लाता है, दिन भर अपनी मेहनत से उस संस्थान को, उस चैनल को बड़ा बनाता है। जी हाँ, मैं इस बार कहानी लेकर आया हूँ न्यूज नेशन चैनल की। न्यूज नेशन चैनल है, नेटवर्क है उसका, यूपी का चैनल है न्यूज स्टेट। उसी के उन्नाव के एक स्ट्रिंगर यानी कि पत्रकार वीरेंद्र यादव की मैं कहानी लेकर आया हूँ। उनको संस्थान से, न्यूज नेशन या न्यूज स्टेट कहें, उस संस्थान से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने उन्नाव रेप कांड, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर उस रेप कांड में आरोपी हैं और इस खबर का खुलासा करने वाले, रेप पीड़िता का सबसे पहले बाइट लेने वाले, रेप पीड़िता की कहानी सबसे पहले सामने लेकर आने वाले उस पत्रकार वीरेंद्र यादव को सम्मानित करने की बजाय ये मीडिया में बैठे हुए मठाधीशों ने कॉरपोरेट घरानों से अपने सिस्टमों को ठीक करने के लिए, सरकारों से अपने सिस्टम ठीक बैठाने के लिए, विज्ञापन ठीक मात्रा में लेने के लिए वीरेंद्र यादव को अपने संस्थान से ही निकाल दिया। ये मेरा कहना नहीं है, आप खुद सुन लीजिए कि वीरेंद्र यादव जो उन्नाव में, जो वहाँ का पत्रकार संघ है, प्रेस क्लब उन्नाव, उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके क्या आरोप हैं, किस तरीके से, आप कहानी सुनिए कि किस तरीके से सीएम योगी के सलाहकार ने चैनल में एक फ़ोन करके उनको नौकरी से हटवा दिया। और कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक बीजेपी विधायक के खिलाफ पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए खबर चलाई थी। सुनिए आप खुद। मोदी योगी राज में लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये सरकारें प्रहार कर रही हैं, किसी न किसी प्रकार से पत्रकारों की और समाज के जागरूक लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही एक घटना अभी सामने आई उन्नाव में, कुलदीप सेंगर जो विधायक हैं वहाँ के, बीजेपी विधायक, सब इस समय उनके नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि रेप केस मामले में अभियुक्त हैं, सीबीआई उनकी जांच कर रही है। उसी मामले का खुलासा करने वाले पत्रकार, निर्भीक पत्रकार वीरेंद्र यादव उन्नाव के रहने वाले हैं, न्यूज नेशन एक चैनल के पत्रकार स्ट्रिंगर हुआ करते थे वहाँ पर, आपको उसका खुलासा करने के बाद चैनल से ही हटा दिया गया। आखिर क्या वजह है, क्या साजिश है इसके पीछे, हम वीरेंद्र यादव से ही जान लेते हैं। देखिए, हमने इस खबर को 3 अप्रैल को, क्योंकि उसके जो पीड़िता है उसके पिता के साथ जो है मारपीट की थी विधायक के भाई और उनके लोगों ने, उसके बाद मैंने इस खबर को बनाया था, खबर भेजने के साथ मैंने भेजी भी थी खबर, चैनल ने उसको चलाया भी था। लेकिन उसके बाद विधायक के लोग हमारे ऊपर लगातार जो है दबाव बना रहे थे, हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई कई बार, तो हमने सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन जो है प्रधानमंत्री को, सीएम योगी को, शासन स्तर के अधिकारियों को 23 अप्रैल को भेजी थी, ताकि क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है, ऐसा ना हो क्योंकि विधायक दबंग है हमारे साथ कुछ हो जाए। उसके बाद जो है 29 अप्रैल को हमें जो है चैनल से एक मेल आती है कि आपको तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाता है। मैं लगातार कोशिश करता हूं अपने चैनल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता। इसके बाद मैं नोएडा ऑफिस जाता हूं, वहां पे जो कंपनी के सीईओ सर्वेश तिवारी जी हैं उनसे मैंने बात की, काफ़ी कहने के बाद जो है उन्होंने हमको बताया कि जो है मुख्यमंत्री योगी जी के मीडिया सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार, उनका फ़ोन आया था, जो मालिक हैं चैनल के, डायरेक्टर हैं सर्वे संजय कुलश्रेष्ठ जी, उनके पास फ़ोन आया था और बाकायदा ये बोला गया था कि अपने चैनल के इस बंदे को हटा दीजिए क्योंकि इसने, इसकी खबर से सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो एक रिपोर्टर की तरह काम किया, अब उसमें किसकी किरकिरी हुई। मैंने वो घायल पहुंचा था, एक रेप पीड़िता थी, एक वो देश की बेटी थी जिसकी मैंने मदद की, उसकी इंसाफ में की जो आवाज़ थी उसको आगे करने के लिए, ये पत्रकार का काम होता, जो मैंने दायित्व तो अपना निभाया। लेकिन उसके बाद मुझे चैनल से हटा दिया गया, तकलीफ़ हुई क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग धर्म निभाते हुए मेरे साथ ये किया गया,
सत्ता के लोग उसमें शामिल थे। चैनल का कहना था कि सत्ता का दबाव है, बहुत ताकतवर लोग हैं, हम लोग चैनल नहीं चला पाएंगे, बहुत सारे हमारे अन्य काम भी है तो इसलिए हम चैनल नहीं चला पाएंगे, इसलिए आपको हटना पड़ेगा। तो मृत्युंजय कुमार योगी जी, इन लोगों ने मिलकर जो है योगी सरकार ने मेरे साथ ये किया और चैनल ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब क्या चाहते हैं आप, इस लड़ाई को कितने आगे तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारी लड़ाई है ये एक सच की लड़ाई है, जो कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। लेकिन हमें नहीं लगता है, जो जहाँ तक मेरा 14-15 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, मुझे तकलीफ हुई कि लोकतंत्र का कहा जाता है चौथा स्तंभ सबसे मजबूत है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उसको बिल्कुल खोखला बना दिया है। चैनल के मालिक के जो लोग हैं, चैनल के जो संस्थान के मालिकान हैं, वो पत्रकारों का शोषण कर रहे हैं, और सत्ता के जो लोग मौजूदा समय में हैं वो पत्रकारों पे दबाव बना रहे हैं, पत्रकारों की कलम तोड़ी जा रही है। मुझे तकलीफ़ है, मैं चाहता बस यही हूँ कि इस तरह का कृत्य जिस तरह का किया गया है ये ना किया जाए, क्योंकि ये हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी खबर दिखाने की, हमारी खबर छापने की, लिखने की, इसको ना छीना जाए। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ हुआ, इस घटना की पूरी जांच की जाए, और इसमें जो भी सरकार का जो मीडिया सलाहकार है उसको, ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर रहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जो हम पत्रकारों का शोषण करते हैं और हम पत्रकारों का सौदा करते हैं। आपने खुद सुना कि पत्रकार वीरेंद्र यादव ने अपनी व्यथा बताई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पत्रकार जो दूसरों की आवाज़ बनने का दम्भ भरता है, जब उसके साथ ही ऐसा हो तो वो इंसाफ की गुहार किसके सामने लगाए? जब विधायक से उसकी जान को खतरा है, ऐसे समय में वो किसके पास जाए जब इसी सरकार के मीडिया के सलाहकार उस चैनल में फ़ोन करके उसको हटवा देते हैं? किसके सामने वो गुहार लगाए जब उसका अपना चैनल, जहां वो लगातार सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम करता था, उस चैनल के लोग केवल शासन सत्ता के दबाव में जरा सी बात पर उसको हटा दें? ऐसे में मेरा मानना है कि अगर वीरेंद्र यादव के सारे आरोप ठीक हैं तो वीरेंद्र यादव को हम जैसे सभी लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए और वीरेंद्र यादव को साहस देना चाहिए, क्योंकि ये वीरेंद्र यादव की अकेले कोई घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं सारे समाचार पत्रों में, सारी न्यूज़ चैनलों में, तथाकथित मीडिया के घरानों में डेली होती हैं, लेकिन वीरेंद्र यादव जैसे एकाध पत्रकार ही निकलते हैं जो अपनी आवाज़ को मुखर करते हैं और इन बड़े बड़े सत्ता के मठाधीशों और इन बड़े बड़े चैनल के मठाधीशों से टकराने की हिम्मत जुटा पाते हैं। मैं इनके साहस को धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वीरेंद्र यादव को इस सरकार में, योगी सरकार में ठीक से न्याय मिल सके। आप देखते रहिए न्यूज़ जनमत, हम इस घटना से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।